छत्तीसगढ़ में किसानों के मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। बस्तर के कोंडा गांव में कम धान खरीदी के चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद एक और घटना में राजनाथ गांव में सोसाइटी की मनमानी के चलते एक किसान की मौत हो गई, जिससे अब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़ा हो गया है। राजनांदगांव जिले के घुमका सोसाइटी में कल देर शाम धान बेचने गए किसान ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है किसान करण साहू गिधवा से धान खरीदने के लिए सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारियों ने किसान को उसका धान खराब बताकर पैसों की मांग की, जिससे किसान को सोसाइटी परिसर में ही हार्ट अटैक आ गया और किसान ने दम तोड़ दिया। करण साहू जो गिधवा निवासी है, सोसाइटी गया था घुमका का धान बेचने के लिए, पैसे के लिए वो बोला होगा 22-23 कट्टा ले लिया था, फिर 20-22 कट्टा बचा था, उसके लिए पैसा मांगा सोसाइटी वाले ने। तो फिर उसका लड़का गया था, घर आया था पैसा मांगने के लिए, तो उसके बाद क्या है कि उसके जाते तक ना का डेट हो चुका था। किसका डेट? करण साहू का। वो कल जो है करण लाल साहू पिता स्वर्गीय टीमन लाल साहू, इसकी उम्र करीबन 52 ईयर्स है। ये जो है यहाँ पर धान खरीदी केंद्र घुमका है, यहाँ अपना धान लेकर आया था, करीबन 43 कट्टा धान लेकर आया था, और जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ उसने उसको तौल वोल कराया, और इसी बीच में उसको दोपहर में उसका तबीयत अचानक से ख़राब हो गया और वो चक्कर खाकर गस खाकर वो गिर गया। तो फिर उसको लेटाए और इमीडिएट 112 को इन्फॉर्म किया गया, तो तत्काल 112 पहुँचा, उसको CST गुमका अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर किसान की मौत पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मृतक किसान का पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे भाजपा के जिला अध्यक्ष ने मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश सरकार को किसान को दुश्मन बताया। भाजपा का कहना है कि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए वे निगरानी समिति बनाकर जिले के सभी सोसाइटी में अपने कार्यकर्ता बैठाएंगे और किसानों को होने वाली अव्यवस्था से निजात दिलाएंगे। उधर पूर्व CM रमन सिंह ने किसानों की मौत के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो यह सरकार की विफलता है। घटना के बाद जिला कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। अभी तो मेरे को यहाँ पर 5 किसानों ने शिकायत किया, घुमका सोसाइटी में हर बात के लिए पैसा मांगा जाता है, बार दाना देने के लिए पैसा मांगा जाता है, तौल के लिए पैसा मांगा जाता है, टोकन देने के लिए पैसा मांगा जाता है। तो ये सरकार जो है 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे करके अपने आप को देवता बता रही है, लेकिन किसान कितना परेशान है इसको देखने वाला कोई नहीं है। न केवल आरोप लगाया है बल्कि पुलिस थाने में जाके FIR दर्ज किया। इसके पहले 4 वर्ष पहले ही किसान की आत्महत्या हुई। कोंडा गांव की घटना ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार किसान धान खरीदी को लेकर तनाव में है, जिस प्रकार उनके रकबे काटे गए, स्पष्ट रूप से किसी का 10-12 एकड़ खेत हो और बाद में जब वो सोसाइटी जाके पता चले कि उसके पास 12 एकड़ नहीं, उसके पास 0.2 एकड़ भी खेत नहीं है, बाकी सब काट दिया गया है, या वो 200 क्विंटल धान लेके जा रहा है खरीदने के लिए और उसको 10 क्विंटल बेचने की अनुमति दिया जा रहा है। तो किसान जो इतनी मेहनत करके फसल तैयार किया है, जिसके ऊपर कर्ज है 80,000 का, उसको पटाना चाहता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।